भी मंगाया था खराब निकला। उल्टे काम के अलग ही नतीजे हैं। भाई आप पोस्टर पोस्टर देख रहे लेकिन हमारा कोई पोस्टर नहीं है। दो तीन बार लगाई है उल्टी सीधी और सेट है। फिर इसके बाद पहले हुआ था कि एक कोट लगाते डार्क होता जाएगा। हमने जैसा से लग रहा है तो अभी सुबह उठते ही डाइट बना रहे हम। मछली मंगा ली थी हमने रात में ही। स्विगी का पूरा उपयोग मैं ही कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। और सुबह आज स्टेटस मतलब बॉडी स्टेटस चेक इन था मेरा ओमार जी के साथ एंड रिस्पॉन्स ऐसा इतना खतरनाक आया कि सोच नहीं सकते आप। और मैंने फोटो भेजी और सब बताया तो उनने बोला यू लुकिंग बैडएस माय गॉड। सही चल रहे हम, ऑन पॉइंट चल रहे हमारी पीक अभी। टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की ये बात है ये बनाना में इतना आता नहीं है क्योंकि हमारा पेन नहीं है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। नहीं यार हमारा पेन छोटा पड़ गया है, अभी मछली नहीं कट रही है। ओह माय गॉड, अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे सेट होने में। सातवें दिन में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे। एक तो हाथ जल गया सुबह सुबह यार। तो भाई आज की प्लानिंग हमारी ये है, अभी अभी डाइट बनाएंगे, दो मील बना के लेके जाएंगे और एक एक्स्ट्रा मील रखेंगे एंड मतलब एक खा के जाएंगे दो लेके जाएंगे। और आज का रजिस्ट्रेशन डे है तो रजिस्ट्रेशन में हमें मतलब वेट से कोई मतलब है नहीं, तो हाइट रजिस्ट्रेशन करानी है और वहाँ पे ट्रंक नंबर लेना है। मोर इम्पोर्टेंट जो ट्रंक नंबर है वो उसे चिल्लाना है लोगों को वाला तरीका भी सही है कि अपना जो इसको जिताना उसका नाम ना लो, जिसका साइड वाला है ना उनका नाम लो। नहीं नहीं ये इतना सही नहीं लग रहा है। जज के पास जाके अरे साइड वाला सही लगो, ये लग रहा है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर बनाने में, इतना एयर फ्रायर सही था, देखते हैं क्या बनता है। आज की मॉर्निंग फुल आग लगते हुई है। अरे सबसे देसी जुगाड़ बेस्ट जुगाड़ कोलगेट लगा लो, मस्त ठंडा ही ठंडा। 9:17 हो गए और 10 बजे हमें निकलना है। मैं हड्डियाँ निकालने में मेरे 10 बज जाएंगे। हड्डी अलग, माल पानी अलग, ये वाइट फिश का झंझट ही अलग। तो भाई जब से हाथ जलाना डर लग रहा है, अब तो गर्म भी लगते हैं, समझ नहीं आ रहा है तो कैसा बना है। एयर फ्रायर में ना ऑयल नीचे चला जाता है, खाली फिश विश ऊपर रह जाती है, इसमें ऑयल भी ऊपर ही रह गया सब कुछ। मुंबई आगे भी हमें सेम चीज़ करनी है जो हम पहले कर रहे थे, नापना और खाना। और आज का राइस बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इतना भी कम नहीं है स्टार्टिंग में। 125 ग्राम राइस खाएंगे, 27 हो गया ठीक है। 3 ounces वाइट फिश कम पड़ेगी तो अगली बार के लिए 2.8, 2.9, 3 ounces। नहीं एक बारी में ही ख़त्म हो गया, हमने मैंने सोचा दो बारी का एक बारी में बन गई मछलियाँ, सीन ही ख़त्म। अगली बार बनानी पड़ेगी, दोबारा बनानी पड़ेगी, कोई नहीं। इन सब काम में ये ठंडा हो गया, अब दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। एक तो पता नहीं क्या मास्टरी कर रखी है यार, देखना लिफ्ट थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है पहले। बिल्कुल रो एज फॉक है आज,
ना कोई सैलड, ना कुछ, ना कोई फ्रूट, सोडियम भी बिल्कुल नॉर्मल, बस चल रही है ज़िंदगी आज और कल मेन डे। ओ माय गॉड, सोचते ही थोड़ा डर लगना है। कोई नहीं, मुंबई में करनी है तो ऑटो से जाओ भाई, इतना ट्रैफिक होता है यार यहाँ पे, ऑटो वाले ऐसे सुर निकल जाते हैं। और अभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टैन करेंगे, अगर देखते हैं वहाँ पे प्रो टैन वाले आए होंगे तो उनसे करवाएंगे, नहीं तो खुद ही करेंगे घर आके। अगर प्रो टैन वाले होंगे तो बाइक टैन रखा, हम तो ब्लैक लेके ही आए। ऑटो की सवारी के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे लोकेशन पे, एक्सपो पे, और यहाँ पे पोस्टर दिख रहे, लेकिन हमारा कोई पोस्टर नहीं है, एक दिन आएगा पोस्टर हमारा भी। अभी पहले से पहले यहाँ बैठ के डाइट लेंगे भाई, पहले एक फोटो ले लो दूर से देख लो। फुल पार्टी चल रही है यहाँ पर, हमें क्या, हमें तो खाने से मतलब, खाएंगे जभी तो बनी, तभी तो मेडल आएगा। एनर्जी बिल्कुल कम होती जा रही है, आज मेरा पानी हाई है फिर भी। वॉइस ऑफ लाइन ने ऐसी तैसी कर रखी है, यहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ जा रही है, देखिए। मैं तो भाई वहाँ पे बैठ जाऊँगा, फिर अभिनव खड़ा करूँगा, फिर मैं बैठूँगा, फिर अभिनव खड़ा होगा, मतलब अच्छा अच्छा दोनों टाइम में अभिनव खड़ा हो रहा है ना, अभिनव भी बैठेगा फिर मैं खड़ा होगा। और अभी थोड़ा कम बोला जा रहा है डिहाइड्रेशन, और ये फॉर्म लेने में भी इसमें भी एक घंटा लगा है, अभी इसको फिलअप कराने के लिए हाइट वाइट रंग नंबर, उसमें अभी जो इतनी बड़ी लाइन पता नहीं सवारी हो रहा है इतना। चलो आगे चले, रंग नंबर मिल गया 316316, बर्थडे का 6 भी आ गया। बहुत मुश्किल से डाइट बनाई है यहाँ पे, क्योंकि जो हम चिकन लेके आए थे वो है ना ख़राब सा हो रहा था, तो अब ख़राब सा खा लिया तो पेट ख़राब ना हो जाए, इसलिए यहाँ से लिया है। बस कल कल का दिन पास आता जा रहा है, मोटी बुद्धि सोचना ही नहीं ज़्यादा। मील और तुम्हारे भाई ने क्या मस्त चिकन ब्रेस्ट बनाया, चिली फ्लेक्स 3 ounces प्रॉपर 3 ounces, और ये बच गया, ये बाद में काम आ जाएगा। बेस्ट यही है, अपने मर्जी से हम खाना बना सकते हैं यहाँ पे। मेन रोल जो था यहाँ का लेने का वो कामयाब हुआ भाई। ये फ्रिज पागल है, ये फ्रिज ऊपर जमाने के लिए नीचे भी जमा रहा है चीज़ें। एक एवोकाडो हमने पहले सुबह भी मंगाया था, ख़राब निकला, अभी ना खुद लेके आया है, तो अभी देखते हैं। मेरे को जहाँ से चाकू जैसे चल रहा है ना, उससे लग रहा है कि कच्चा है ये। अरे है परफेक्टो, इंडियन एवोकाडो है। अभी इसके बाद सेव करेंगे, फिर टैन लगाएंगे, फिर देखते कैसा कोट आता है। और पठान भी आ रखा है हमारी हेल्प कराने के लिए। पठान यार
अपने जैसा से लग रहा है द्वारका में घूम रहे हैं। बस पठान ने घर ले लिया है यहाँ पे। बॉडी अभी तो टाइट है, देखते हैं अभी क्या करेंगे। ये जो निशान रह गए हैं ना वैक्स वाले, इस पे देख के एक्सपर्ट लग रहा है वो पठान। हमारे तो बाल ही नहीं आते बाबू, टैटू पर ज़्यादा मार दूँ मैं। अभी छिटाई चल रही है, फिर इसके बाद पेंट होगा और हमारा स्किन टोन है तो हमारा एक ही कोट काफी रहेगा। अब उल्टा सीधा सामान दे, बाद में ठीक कर लेंगे दाने वाने। जो फिनिशिंग आ रही है उल्टे रेजर में आ रही है, उल्टे काम के अलग ही नतीजे हैं। जो हमें हर साल लगाते हैं। कितना भी आपका प्राइस है कुछ बताना नहीं चाहते भाई। स्पेशल डिमांड पर करते हैं। ओहो, प्री बुकिंग एक साल पहले। कोई कोर्स वोर्स किया है ऐसी? नहीं, ऐसी जा जाके मैं सीख गया। दो तीन बार लगाई उल्टी सीधी और सेट है फिर उसके बाद। फर्क दिख रहा है, टैन लगता हो पूरा। जितनी अच्छी कंडीशनिंग होगी उतनी अच्छा टैन चढ़ेगा। मेहंदी वाला हिसाब है क्या इसका? जितना गहरा प्यार होगा गेम के लिए उतनी तो मेरे भी इसके बारे में क्या कहना है। टैन मैन नहीं, वो देखो पहले आइडिया नहीं करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट लाओ, एक लाइने बनवाओ, जैसे आमिर खान को धूम में नहीं लाइने वाइने बनवा दो ऐसा कटीला। बोलना देख रहे हो गाइस, टैन के बीच में वीडियो डल रही है। तो मील बना लिए, चावल हमने खुद बनाया है और वो जो पतीला होता है चावल वाला वो था मिला नहीं, नॉनस्टिक की पैन में बनाया बस। बना दिए हमने चावल, थोड़े से कच्चे रह गए। इस वाली मील में ये था कि अगर तुम्हारी बॉडी फ्लैट है या पंप नहीं आ रहा तो बर्गर खा लेना, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा पंप आ रहा था तो हमें बर्गर नहीं मिला, तो नॉर्मली मील खा रहे हैं। है ही नहीं हमारे नसीब में बर्गर। और टैन फर्स्ट कोट हो गया हमारा, फर्स्ट ही हमारा लास्ट होगा। जिस हिसाब से हमें हमारा पहले हुआ था कि एक कोट लगाते डार्क होता जाएगा, अगर देखते हैं अगर नहीं आता ज़्यादा डार्क तो एक और कोट करेंगे कल। लेकिन अगर एक कोट में वैसे मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए डार्क कल तक। सो आज का दिन तो बस खत्म, कल मेन दिन प्रीसेसिंग बस हमारे सबसे लास्ट में यार। स्टार्टिंग में उतना मजा आ रहा था। वीडियो यहीं तक ही थी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है, पसंद तो आनी चाहिए, बहुत मेहनत चल रही है। कल मिलते हैं आप लोगों को, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।